दिनों कैथल नगर परिषद के चुनाव की सरगर्मियां बड़े जोरों शोरों पर हैं, जिसके तहत पार्षदों और चेयरपर्सन उम्मीदवार के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। आज 27 वार्ड के पार्षद काका ससदेवा ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जो कि बता दें कि इस कार्यालय का उद्घाटन हैफर्ड के चेयरमैन कैलाश भगत ने किया और इस अवसर पर नगर विधायक लीलाराम गुज्जर और अशोक गुज्जर सभी पधारे थे। यहाँ की जो चेयरपर्सन के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से सुरभि गर्ग, वो भी इस कार्यक्रम में उन्होंने भी अपनी शिरकत की और काका ससदेवा को वोट करने की अपील की। आज 27 वार्ड से बीजेपी और जेजेपी के सांझे उम्मीदवार काका ससदेवा यहाँ से खड़े हैं और उनके ऑफिस के उद्घाटन पे मैं यहाँ पे आज पहुँचा हूँ। और आपने देखा कि पूरे शहर का जनसैलाब जो है वो कैसे उमड़ा हुआ है। आज एक बात को निश्चित रूप से दर्शा रहा है कि काका ससदेवा की जीत तो निश्चित हो ही चुकी, वो कितने वोट के मार्जिन से अपनी जीत को आगे बढ़ाएंगे अब तो सिर्फ ये कहने वाली बात है। हमारे को भारतीय जनता पार्टी को 36 की 36 बरादरी का जो है वो पूरा सहयोग प्राप्त है और आपने देखा है कि 4 तारीख को चेयरमैन के लिए मिसिस सुरभि गर्ग को पार्टी ने उतारा है और उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कैथल को सबसे बड़ी सौगात दी थी, 1,000 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल का उद्घाटन उसी दिन किया गया, जो पूरे हलके के लिए पूरे एरिए के लिए सबसे बड़ा काम है, जिसके अंदर गरीब आदमी, आम आदमी, अमीर आदमी, हर आदमी को जो है वो हेल्थ के लिए बाहर जाना पड़ता था, जो थोड़े टाइम के बाद बाहर जाने की नौबत नहीं होगी क्योंकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल कैथल के अंदर होगा। पार्षदों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री की एक सोच है कि हमारी आखिरी हद तक गरीब से गरीब तक भी जो है वो हर सहूलियत जाए। आपने पीछे 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर देखा कि चेयरमैन पर्सन जो थी वो कांग्रेस की थी, उसकी वजह से पूरे शहर के अंदर काम नहीं हो सका और जब चेयरमैन पर्सन बीजेपी की होगी और हमारे यहाँ से MC चुन के जाएंगे तो शहर का काम पूर्ण रूप से ठीक ढंग से होगा। और मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी काम के लिए यदि शहर के अंदर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चाहे CM साहब के पास जाके कराना पड़े, वो हर काम को करने का पूरा काम करेंगे। लगे हुए हैं और इस वार्ड यानी कि वार्ड नंबर 27 की पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता की शिव प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग जी के लिए दिन रात प्रचार प्रसार कर रही है, उसके लिए वोट की अपील कर रही है। और ठीक इसी प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम काका ससदेवा के लिए इस वार्ड नंबर 27 में दिन रात डोर टू डोर करते हुए इनको पार्षद के रूप में बनाने के लिए यहाँ की जनता से, यहाँ के मतदाताओं से अपील कर रही है। देखिए अब विकास पिछले 2014 से लेकर के और अब 8 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम सुशासन का कार्यकाल, विकास का कार्यकाल, जिसको हम एक स्वर्णिम कार्यकाल कह सकते हैं, उसमें भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छूटी। लेकिन ये क्या है कि इस विकास कार्य को और अधिक गति देने के लिए यहाँ से ट्रिपल इंजन की सरकार यानी कि नगर परिषद की चेयरमैन के रूप में श्रीमती सुरभि गर्ग जी को उस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने का काम इस कैथल शहर की जनता 19 तारीख को करने जा रही है मतदान के रूप में। और जब 22 तारीख को नतीजे आएंगे वो आपको इस प्रकार से चौंकाने वाले होंगे कि बहुत भारी मतों से श्रीमती सुरभि गर्ग जी इस नगर परिषद की चेयरमैन बनेंगी और यहाँ से वार्ड नंबर 27 से काका ससदेवा जी यहाँ से पार्षद के रूप में विजयी हो। भाजपा के समर्थित उम्मीदवार आपके साथ खड़े हैं, एक वो बात जिसको सुनकर बाहर के लोग ये तय करेंगे वो किसे देना है।
देखिए काका सचदेवा भारतीय जनता पार्टी का वर्षों पुराना कार्यकर्ता रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम 27 नंबर वार्ड में इनके साथ खड़ी है, डोर टू डोर कर रहे हैं, ये दोनों वोटें मांग रहे हैं चेयरमैन की भी और पार्षद की। मैं तो वार्ड वाले से कहने को बढ़ चढ़ कर वोट करें, 19 तारीख को साइकिल के निशान पर बटन दबाकर मेरे को विजय कराएं और सुरभिगढ़ को विजय कराएं। ऐसी जो विकास पेंडिंग रह गए हैं, जो मेरे 5 साल में पेंडिंग रह गए वो भी बढ़ चढ़ कर पूरा करेंगे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है वार्ड वालों का। तो लोगों किस तरह से समर्थन मिल रहा है, किस सहयोग मिल रहा है? लोगों का बहुत बढ़ चढ़ कर समर्थन मिल रहा है, उनका आशीर्वाद बढ़ चढ़ कर मिल रहा है। क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं अपील करना चाहेंगे बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें, अपना आने वाली 19 तारीख को साइकिल के बटन पर मोड़ लगाएं और भारतीय जनता पार्टी का जीत दिलाएं। तृप्ता सचदेवा उनके परिवार में से एमसी रही हैं, सरकार की ओर से किस तरह का सहयोग मिलता है? बहुत सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला जी हमें, बस 5 साल में बहुत बढ़िया काम कराया हम जी, हमने सफाई व्यवस्था जी, लाइट व्यवस्था जी, सीरियल व्यवस्था जी, नाली और लाइट की व्यवस्था, कुर्सियाँ बैठने की व्यवस्था जी। क्या नाम है मैडम? रेणु रानी। किस वार्ड में हुआ? 27 वार्ड में। किसको वोट करा? काका सचदेवा। क्या किसी पार्टी से खड़ा हुआ है? हाँ जी। किसी पार्टी से है? नहीं नहीं, ये खुद खड़ा हुआ है। ये इसने काफ़ी काम करवाया, हम रात को भी आवाज़ लगाते हैं, ये रात को भी हमारे साथ खड़ा है। जैसे विकास के कामों में पिछले दौरान भी जैसे उनकी भाभी थी शायद, तो ऐसा क्या काम करवाया था कि अगली बार भी आप नहीं? इन्होंने काफ़ी काम करवाया वार्ड में, सड़कें बनवाई हैं, टूवल लगवाए हैं, हर चीज़ करवाई है, लाइटें तक लगवाई हैं, किसी वार्ड में ये काम नहीं करवाया जो इस वार्ड में हमारा काम हुआ है। उन्होंने हमारे सारे काम अच्छे करे हैं, पूरे मोहल्ले की देखभाल करी है, जो भी मतलब सिर्फ आपके काम किए हैं या सब पूरे वार्ड के काम करे हैं? आपके वार्ड के सारे? हाँ जी हाँ जी।